नमस्कार दोस्तों, मेरे क्लिनिक पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज का ये चौथा भाग है। दोस्तों, आज के इस भाग में हम टोटल 7 होम्योपैथिक मदर टिंचर के क्लिनिकल यूज के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक मदर टिंचर दोस्तों डी लेटर से शुरू होता है और बाकी के 6 मदर टिंचर ई लेटर से शुरू होते हैं। इसके पहले दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज के 3 भाग बना चुके हैं, जिसमें हमने ए, बी और सी लेटर से शुरू होने वाले होम्योपैथिक मदर टिंचर के क्लिनिकल यूज के बारे में जाना है। दोस्तों, उससे संबंधित जो वीडियो है वो आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम आ गए हैं अपने मदर टिंचर की रेक पर और आज का हमारा सबसे पहला मदर टिंचर है दोस्तों डामियाना का मदर टिंचर। दोस्तों, ये जो डामियाना का मदर टिंचर है, इसको सबसे ज्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, चाहे वो प्रॉब्लम यंग मेल की हो या ओल्ड मेल की हो। सेक्सुअल न्यूरास्थीनिया के केसेस में दोस्तों, या नर्वस कारण से, यानी कोई व्यक्ति यदि तनाव से ग्रसित है, वहां पर यदि व्यक्ति को सेक्सुअल प्रॉब्लम अपनी चपेट में ले लेती है, तो वहां पर भी दोस्तों डामियाना के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं में एक समय के बाद उनमें इच्छा की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार की महिलाओं में इच्छा को जागृत करने के लिए भी डामियाना का मदर टिंचर देते हैं। फर्टिलिटी ऑफ फीमेल के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसे हम तनाव दूर करने के लिए भी अश्वगंधा के साथ मिला करके देते हैं। दोस्तों, इसको जो यंग लड़कियां रहती हैं, जो कम उम्र की लड़कियां रहती हैं, उनमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो यदि नॉर्मल नहीं आ पा रहा हो, तो वहां पर भी दोस्तों डामियाना के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बुजुर्गों में एक बहुत कॉमन सी समस्या हो जाती है कि उन्हें प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है वो बूंद बूंद करके निकलता रहता है। या आप देखेंगे तो कई सारे यंग बच्चों में भी दोस्तों प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलने की समस्या होती रहती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी दोस्तों डामियाना के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज का दूसरा मदर टिंचर है इचिनेशिया का मदर टिंचर। इसके अलावा दोस्तों बता दूं आपको कि डामियाना के मदर टिंचर को, जैसे आपकी सीमेन की क्वांटिटी यदि आपको बढ़ाना है, तो वहां पर भी दोस्तों डामियाना के मदर टिंचर को दिया जाता है। दोस्तों, डी के बाद हम ई से लेते हैं, तो सबसे पहला मदर टिंचर है इचिनेशिया। ये जो इचिनेशिया मदर टिंचर दोस्तों, इसकी यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो जनरली इसे दोस्तों ब्लड प्यूरीफायर के जो हमारे दूसरे कंटेंट होते हैं उसके साथ मिलाकर देते हैं, जैसे कि एजाडिरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर, सरसाप्रेला का मदर टिंचर, तो उसके साथ इचिनेशिया का मदर टिंचर भी मिलाते हैं। मतलब ये खून को साफ करने का काम करती है। इसके अलावा स्किन की जितनी भी डिसीज होती है, वहाँ पर भी इचिनेशिया के मदर टिंचर को यूज़ किया जाता है, चाहे बार बार होने वाली फोड़े फुंसी हो, या शरीर में चलने वाली खुजली हो, या फंगल इन्फेक्शन हो, दांत खाज खुजली, किसी भी प्रकार की स्किन की कंप्लेंट हो, दोस्तों वहाँ पर इचिनेशिया के मदर टिंचर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका ट्यूमर्स में या शरीर में कहीं पर जो ग्रोथ होती है, उसमें भी बहुत अच्छा यूज़ देखा गया है। कई डॉक्टर्स इसे दोस्तों कैंसर के दौरान यदि शरीर में कहीं पर गठान सी पड़ रही हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इचिनेशिया के मदर टिंचर को दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो बार बार यदि आपके बच्चे को सर्दी खांसी होती है, तो वहाँ पर भी इचिनेशिया के मदर टिंचर को देते हैं। इचिनेशिया का मदर टिंचर स्किन कह लीजिए, या फोड़ा फुंसी कह लीजिए, या किसी भी प्रकार की ऐसी कंप्लेंट दोस्तों जो आपकी इम्यूनिटी कम होने के कारण होती है, वहाँ पर इसके मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, इसलिए इसे देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार आता है। शरीर में जो बुंड हीलिंग होने की प्रोसेस होती है, घाव भरने की क्षमता होती है, वहाँ पर भी इसको देने से सुधार देखा गया है। दोस्तों, ये ग्रेनुलेशन का जो पीरियड है दोस्तों, उसे कम कर देती है, ग्रेनुलेशन जल्दी करती है, तो बाउंड हीलिंग भी दोस्तों ये बहुत ही जल्दी करती है। तो जनरली यदि आप क्लिनिकली पूछेंगे, तो हम इसे फोड़े फुंसी, स्किन डिसीज, बार बार होने वाली सर्दी खांसी में इसको यूज़ करते हैं। ब्लड प्यूरीफायर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज का दूसरा मदर टिंचर है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस का मदर टिंचर, जिसे दोस्तों आंवला की मदर टिंचर भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो मदर टिंचर होता है, ये आंवला से बनता है। आप सभी जानते हैं कि आंवला जो है वो विटामिन सी का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों, विटामिन सी जिन जिन केसेस में दिया जाता है, या विटामिन सी की कमी से जहां पर जो भी बीमारी हो रही है, उसे ठीक करने के लिए भी हम आंवला का मदर टिंचर या एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस का मदर टिंचर दोस्तों देते हैं। दोस्तों, इसके मदर टिंचर को जनरली हम क्लिनिक में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए। मतलब जैसे युवा वर्ग के जो लड़के लड़की आते हैं, या आजकल कम उम्र में भी लोगों के बाल सफ़ेद होने लगे, वहाँ पर दोस्तों इसके मदर टिंचर को एसिड फास्ट के मदर टिंचर के साथ मिलाकर देते हैं, तो काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हेयर फॉलिंग की शिकायत में भी इसका मदर टिंचर दिया जाता है। मसूड़ों से यदि बार बार खून आ रहा हो, तो मसूड़ों को मजबूत करने के लिए भी इसके मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है।
इसके मदर टिंचर को दांत के दर्द दूर करने के लिए भी दिया जाता है। कुछ लोगों के नाखून जो है दोस्तों बार बार बीच में से टूटने लगते हैं और उनमें दरारें सी पड़ने लगती है, तब वहाँ पर भी दोस्तों एम्बलिका का मदर टिंचर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इसका मदर टिंचर दिया जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स लोग बार बार होने वाली सर्दी खांसी में विटामिन सी का यूज़ करते हैं ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए, तो उस केसेस में भी आंवले के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी को, बुंड हीलिंग को फास्ट करने के लिए, घाव को जल्दी बनने के लिए दिया जाता है, तो आंवला का मदर टिंचर भी आप इस प्रकार के केसेस में दे सकते हैं। दोस्तों दूसरा आज का मदर टिंचर है इपेटोरियम पर्फ का मदर टिंचर। दोस्तों इपेटोरियम को होम्योपैथी में बोन पेन के लिए आर्निका के लेवल की दवा माना जाता है। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बिल्कुल शरीर को तोड़ देने वाले, जिसे बोलते हैं हाड़ तोड़ पेन, इस प्रकार का दर्द होता है, जैसे डेंगू के केसेस में, चिकनगुनिया के केसेस में, या मलेरिया के कारण, या कभी कभी टाइफाइड में भी इस प्रकार का दर्द होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा असहनीय होता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर की हड्डियाँ टूट रही हैं। इस प्रकार के दर्द में यदि आप तुरंत रिलीफ चाहते हो तो इपेटोरियम पर्फ का मदर टिंचर बहुत ही फास्ट काम करता है, लाइक ए एलोपैथिक पेन किलर मेडिसिन। दोस्तों इसके मदर टिंचर का रिजल्ट हमने इतना ज़्यादा अच्छा देखा है कि कई बार जो पाँव के पीछे मरोड़ सी उठती है और किसी दवा से असर नहीं पड़ता, तो इसके मदर टिंचर की मात्र 5 बूंद देने से ही मरोड़ उठना तुरंत ही बंद हो जाती है, तुरंत ही उस दर्द का एहसास बंद हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आज का अगला मदर टिंचर है इक्विजिटम का मदर टिंचर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इक्विजिटम का मदर टिंचर आपको दिखेगा। दोस्तों इक्विजिटम का मदर टिंचर यूरिनरी ब्लेडर की कंप्लेंट में दिया जाता है, जनरली डिसयूरिया के केसेस में और इन्यूरेसिस के केसेस में। तो दोस्तों यदि बाथरूम करते समय ब्लेडर के एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मरोड़ सी उठ रही हो, टेनेसमस हो, दर्द हो, वहाँ पर इसके मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन्यूरेसिस के केसेस में जैसे कई सारे लोगों को बाथरूम बूंद बूंद करके निकलती रहती है, या आप देखेंगे तो छोटे बच्चों की आदत रहती है रात में बिस्तर में बाथरूम कर देना, बड़े बुजुर्ग भी एक उम्र के बाद कई बार बाथरूम कर देते हैं बिस्तर में, तो इस प्रकार की जो शिकायतें होती है उसे दूर करने के लिए दोस्तों इक्विजिटम के मदर टिंचर यूज़ किया जाता है। ये ब्लेडर पर आपके कंट्रोल को बढ़ाता है, तो खासकर बच्चों के केसेस में इसका मदर टिंचर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है रीनल कोलिक के केसेस में और पथरी को गलाने के लिए। आपने पथरी गलाने में अभी तक वर्वेरिस बल्गेरिस मदर टिंचर का नाम सुना होगा, परंतु दोस्तों यदि यूरेटर में पथरी फंसी है तो वहाँ पर इक्विजिटम का मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है, इसके दोस्तों बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद आज का हमारा अगला मदर टिंचर है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर। दोस्तों ये जो मदर टिंचर है ये फीमेल डिसीज़ के लिए इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा लाया जाता है। फीमेल में यदि किसी भी बीमारी के कारण यूट्रस का साइज बढ़ता जा रहा हो, यूट्रस का इनलार्जमेंट होता जा रहा हो, वहाँ पर दोस्तों फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर यूज़ करते हैं। तो जनरली अधिकांशतः ऐसा देखने में आता है कि जब यूट्रस में फाइब्राइड हो जाता है या यूट्रस में किसी भी प्रकार का ट्यूमर है, तो वहाँ पर यदि फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर देते हैं दोस्तों, तो ये उस फाइब्राइड को धीरे धीरे उसकी ग्रोथ को कम करके ख़त्म करने का काम करती है। जो यूट्रस का साइज़ उसके कारण बढ़ गया था उसे भी धीरे से नॉर्मल करती है। इसके कारण दोस्तों फाइब्राइड के आने के कारण जितने भी सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, जो मेंसेस में दिक्कत आने लगती है, उसे भी ठीक करने का काम करती है। ऐसा देखें तो ये एक प्रकार से यूट्रस के लिए टॉनिक की तरह काम करती है, जो सारी की सारी खराबी को दूर कर उसे एक नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करती है। क्लिनिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका यूट्रस फाइब्राइड के लिए, यूट्रस के ट्यूमर के लिए, या किसी भी प्रकार की ग्रोथ यूट्रस में हो रही हो, यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा हो वहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों कई बार इसे जैसे कुछ लोगों में बुखार के समय होठों के आसपास कुछ फीवर सोर्स जैसे हो जाते हैं, कुछ आप देखेंगे तो ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, वहाँ पर भी फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर को यूज़ किया जाता है। पाँव के पीछे दोस्तों जो दर्द होता है, ऐठन होती है, वहाँ पर भी इसका मदर टिंचर देते हैं क्लिनिकली। और एक जगह और दोस्तों इसके मदर टिंचर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं छोटे बच्चों में जब एक्जिमा हो जाता है, तो उस एक्जिमा को ठीक करने के लिए, वहाँ पर दोस्तों यदि आप फ्रैक्सिनस अमेरिकाना के मदर टिंचर को एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, हल्के से पानी में मिलाकर यदि उस पानी को आप एक्जिमा के ऊपर लगाएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज का हमारा आखिरी मदर टिंचर है फ्यूकस वेसिकुलोसिस का मदर टिंचर। दोस्तों होम्योपैथी में ये दवा बहुत ज़्यादा मशहूर है वजन को कम करने के लिए। होम्योपैथी में वजन कम करने के लिए फाइटोलक्का और फ्यूकस, ये दो दवाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो क्लिनिकली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ देखें तो ओबेसिटी में होता है, मोटापे को दूर करने के लिए। परंतु इसी के साथ दोस्तों इसे
थायराइड के केसेस में भी यूज किया जाता है, खासकर जो एक्सॉप्थेल्मस गोइटर के केसेस बन जाते हैं, जहां पर आप देखेंगे तो मरीज की आंख आपको थोड़ी सी निकली हुई सी लगती है, उस प्रकार के केसेस में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूज में लाया जाता है। बहुत पुराना यदि किसी व्यक्ति को कब्ज है, किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी आप फ्यूकस वेसिकुलोसिस के मदर टिंचर को यूज़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़ होता है, कई लोगों को इस प्रकार का सरदर्द होता है जैसा उन्हें लगता है कि उनका माथा जो है वो किसी लोहे की रिंग की चपेट में आ गया है और चारों तरफ से उसे लोहे की रिंग को जो है वो उसका साइज घटाते जा रहे हैं, इस प्रकार से माथे में फीलिंग आती है। इस प्रकार के खास सरदर्द के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवा है। इस मदर टिंचर को आप यदि इस प्रकार के सरदर्द में देते हैं तो आपको दूसरी सरदर्द की जो दवाएं होती है होम्योपैथी में सेंगोनेरिया बेलाडोना ग्लोनाइन वगैरह वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल इसका मदर टिंचर ही इस प्रकार के सरदर्द को पूरी तरह ठीक कर देता। तो क्लिनिकली दोस्तों देखें तो आज के हमारे 7 मदर टिंचर थे। एक बार हम शॉर्ट में देखें तो डामियाना सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, इचिनेशिया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, फोड़े फुंसियों के लिए, ब्लड साफ करने के लिए, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस देखें तो ये भी दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाले चाहे नाखून बाल आँख दांत मसूड़े या घाव को भरने के लिए इन सभी के रोगों के लिए। और इसके बाद इपेटोरियम परफोलियटम देखें दोस्तों तो ये बोन पेन के लिए, इक्विजिटम देखें दोस्तों तो ब्लेडर के लिए, रात में बाथरूम जो बच्चे कर देते बिस्तर उसके लिए, फ्रेक्जिनस अमेरिकाना यूट्रस के लिए, यूट्रस में फाइब्रॉइड ट्यूमर्स वगैरह को गलाने के लिए, इन्फेंटाइल एक्जिमा के लिए, और फ्यूकस वेसिकुलोसिस देखें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा क्लिनिकली यूज़ होता है मोटापा दूर करने के लिए और एक्सॉप्थेल्मस गोइटर के केसेस में। तो दोस्तों ये था वीडियो, अगली सीरीज़ में हम जी लेटर से शुरू होने वाले होम्योपैथिक मदर टिंचर को लेंगे। वीडियो यदि पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।